इस बार तुम मैस सैकटरी आते हो तो किस विजन न लाओगे लोग क्यों तो मैस सैकटरी चुन फिर क्लब के मैंबर सतलुज क्लब के मैंबर करवाए तो वैटरनस क्रिकेट टूरनामेंट 60 साल तो उपर वाल पहली बारी मेरे टेन्योर करवाया गया। पिछे लोगों दी बहुत कंप्लेंट्स रहिंदियां सी क्योंकि मैं बड़ा रेगुलरली लोधी क्लब च आना तो मैच के बहुत कंप्लेंट्स आंदियां रहिंदियां सीगियां। पेस्ट कंट्रोल की बड़ी प्रॉब्लम साढ़े पेस्ट की रहिंदी है, चूहे वगैरह घूमते रहिंदे ने, मैंबर कंप्लेंट करते हैं, इहदा मैं रेगुलरली कंट्रोल करांगा। लोगों की अक्सर कंप्लेंट रहिंदी है यह कि नॉन वेज का खाना उन्होंने परोस दिता जाता है तो उन्होंने जिहड़ा है धर्म भंग किया जाता है। फिर तुम इस बार सीए साहब के नितिन महाजन जी की टीम नाल क्यों नहीं खड़े की तो मतलब जिमें डॉक्टर सी गौरव सचदेवा की टीम ची सारे है तो सानू काफ़ी हुंगारा मिल रहा है। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा तो अज का मामला हैगा लोधी क्लब के इलैक्शन का। लोधी क्लब जिहड़ा कि एक इत्थे सोसाइटी का क्लब है लगभग तो उहदे विच 3000 के करीब मैंबर हैगे तो इतने अलग अलग सीटा लिए जोड़े कैंडीडेट है वो उन्होंने इलैक्शन हो रहे हैं क्योंकि जी सोसाइटी बनती है वो सोसाइटी अगले 2 साल तक इलेक् जोड़ा है क्लब न रन करती है। सो प्रेजिडेंट हालांकि इतने के जोड़े है वो डीसी साहब रेंदे सेम रेंदे पर जनरल सैकटरी तो लैके एग्जीक्यूटिव मैंबर तक के डिफरेंट पोस्टा लिए जोड़े इलैक्शन होंगे तो इस इलैक्शन के मैं थोनों अच्छ मिला रहे हैं डॉक्टर अविनाश जिंदल जी नाल जिहड़े कि इस बार मैस सैकटरी लिए खड़े हुए हैं। तुहानू मैं थोड़ा जिहा दसना चाहवांगा कि अविनाश जिंदल जी पिछली टर्म्स के भी स्पोर्ट्स सैकटरी रहिंदे हुए इन्होंने काम किया और काफ़ी अच्छी अपने उत्थे क्रेडेंशियल्स क्रिएट किए तो एक बार रूबरू होंने अविनाश जी नाल। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर अविनाश जिंदल जी, मैं SMO हाँ अजकल ESI भारत नगर चौंक से जी, तो मैं पहला एग्जीक्यूटिव सैकटरी रह चुके हाँ लोधी क्लब 2013 तो 2015 जी, तो हूँ 2019 की इलैक्शन मैं स्पोर्ट्स सैकटरी जितया सीगा तो स्पोर्ट्स सैकटरी का काम मैं 2 साल तो कर रहा तो मैं इतने अपने क्लब के मैंबरों तो दूसरे दर्शकों ये दसना चाहना कि मैं पिछले 2 साल स्पोर्ट्स सैकटरी होने के नाते काफ़ी काम करवाए ने तो लोगों के काफ़ी मेरी प्रशंसा की गई हैगी है लोधी क्लब के मैंबर वालों जिस दे दौरान कि मैं एक 5-स्टार की तरह सोना स्टीम स्पा एरिया जिहड़ा मसाज एरिया बनाया गया है लोग उसका बहुत फायदा उठा रहे हैं तो जिस दे विच के नवा टेबल टेनिस का रूम नवा एरोबिक्स का रूम योगा का रूम बनाया गया तो साढ़े बैडमिंटन के प्लेयर्स नू खुश करन वास्ते एक होवा कोर्ट हुंदी है बैडमिंटन दे विच ओह भी लगवाई गई है तो उन्होंने ट्रेडमील वगैरह के इक्यूपमेंट्स की जरूरत सी जिहड़ी वह भी असी नवे लिया के दिते ने। इस तरह जिम के भी असी नवे ट्रेडमील तो होर मशीन उपलब्ध करवाइया तो हरेक तरह के ही जिमें बिलियर्ड के होर सारिया ही गेमों के बहुत अच्छा काम करवाया तो सारे नालों वड्डा साडा रहा स्पोर्ट्स फैसटिवल स्पोर्ट्स कार्निवल जिस दे विच के असी तरह तरह के गेमों के सारे तरह के टूरनामेंट पहला अपने क्लब के मैंबर आपस करवाए फिर क्लब के मैंबर सतलुज क्लब के मैंबर करवाए तो वैटरनस क्रिकेट टूरनामेंट 60 साल तो उपर वाल पहली बारी मेरे टेन्योर करवाया गया जिहड़ा कि बहुत वधिया प्रशंसा हुई है लोगों की। तो इस तरह ही लोधी क्लब की एग्जीक्यूटिव टीम साड़ी 10 जनों की तो विच साढ़े PCS नोमीनेटिड मैंबर भी सी उन्हां दी टूरनामेंट क्रिकेट का सतलुज क्लब की इस तरह एग्जीक्यूटिव टीम के नाल भी करवाया गया पहली बारी। ये पूछना चाहवांगे ये तो पुरानी उपलब्धियां हो गई जे इस बार तुम मैस सैकटरी आते हो तो किस विजन न लाओगे लोग क्यों तो मैस सैकटरी चुन तो हूँ मेरी टीम ने इस करके फैसला लिता कि स्पोर्ट्स के उत्ते बहुत वधिया काम किया तो हूँ ऐतकी मैस के सुधार करन लई पिछे लोगों दी बहुत कंप्लेंट्स रहिंदियां सी क्योंकि मैं बड़ा रेगुलरली लोधी क्लब च आना तो मैस के बहुत कंप्लेंट्स आंदियां रहिंदियां सीगियां खाने की क्वालिटी के प्रति सर्विस के प्रति तो मैं हूँ अपने टेन्योर जे मैं जित के आना तो मैं ये मैंबरों नूं भरोसा दवाना कि मैं रेगुलरली क्वालिटी के उत्ते चैक करन वास्ते रेगुलरली मैस नूं विजिट करांगा किचन नूं विजिट करांगा तो कॉन्ट्रैक्टर के उत्ते दबाव बना के रखांगा ताकि क्वालिटी हाइजीन अते सर्विस दी कदे भी कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। पेस्ट कंट्रोल की बड़ी प्रॉब्लम साढ़े पेस्ट की रहिंदी है, चूहे वगैरह घूमते रहिंदे ने, मैंबर कंप्लेंट करते हैं, इहदा मैं रेगुलरली कंट्रोल करांगा। दो चीज़ा मेरे दिमाग चो है, एक वेज तो नॉन वेज
ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਨੋਨ ਵੈਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਲੇਟ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਨੋਨ ਵੈਜ ਅਤੇ ਵੈਜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਫ ਪਲੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਪਲੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਊਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀਏ ਨਿਤਿਨ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਤਿਨ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਏ ਨਿਤਿਨ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਔਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਗੌਰਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਤਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਰੰਟਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ ਸੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਾਣੇ ਤੈਸ਼ੀ ਧੰਨਵਾਦ Right now and press the bell icon. Never miss an update.